साथियों, याद करें कि 18 जुलाई 2022 को तीन काले कानून, लंबे किसान आंदोलन के बाद तीन काले कानून निरस्त करने के फैसले के बाद मौजूदा मोदी सरकार ने किसान को यह आश्वासन दिया कि वो एक प्रभावी और पारदर्शी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का कानून लेकर आएंगे, बनाएंगे। ये वादा भी किया कि इस देश के 72 करोड़ किसान और खेत मजदूर को कर्ज मुक्ति से राहत दिलाने का रास्ता प्रशस्त करेंगे, क्योंकि इस देश में हर घंटे एक खेत मजदूर या किसान आत्महत्या का फंदा चूमने को मजबूर है। तो फिर किसान इस वादे की गारंटी क्यों ना मांगे, क्योंकि आजकल सरकार हर बात की गारंटी दे रही है। हम ये पूछते हैं, किसान मोदी जी के और भाजपा सरकार के इस वादे की गारंटी क्यों ना मांगे, न्याय क्यों ना मांगे। याद रहे, जब हमारे किसान बंजर जमीन का सीना फोड़कर निर्मल जल की धारा निकाल सकते हैं, जब अन्नदाता पथरीली जमीन का गरूर तोड़कर उसमें बीज अंकुरित कर देश का पेट पाल सकता है, तो फिर सत्ता के अहंकार और न्याय अन्याय के खरपतवार का समूल नाश भी कर सकता है। यह सरकार को जानना होगा। इस बार सत्य और असत्य के बीच संघर्ष में छल से सत्ता पर आसीन दुर्योधन दुशासन जान लें, दुष्चक्र रच लें, शकुनी मामा चाहे कितनी चाल चल लें, धर्म भ्रष्ट धृतराष्ट्र चाहे अपनी आंखों में के साथ साथ जुबान को भी सील लें, लेकिन इस बार अन्नदाता किसान सरकार के भ्रम जाल में नहीं आने वाला। इस बार वो अपना वाजिब हक लिए बगैर हस्तिनापुर से हटने वाला नहीं, वो केवल न्याय मांगता है।